क्या आपने कभी मोहब्बत की है? बड़ा सुकून मिलता है जब आदमी किसी मोहब्बत को अंजाम देता है। मोहब्बत का आगाज बड़ा अजीबोगरीब होता है। आदमी उसमें घुस तो जाता है, लेकिन मोहब्बत का चक्रव्यूह उसे हर पल हर समय एक अजीब सी कशिश की तरफ खींचता चला जाता है। और आप इस चक्रव्यूह में जब फंसते हैं तो बस आपके दिमाग, आपका तन, आपका मन, सब जगह बस एक ही आवाज गूंजती रहती है, और वह है मोहब्बत। आपको हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। घर के आसपास का वातावरण, अपनी मशूका की गली, उसके घर जाते हुए सभी रास्ते, उसकी खुशबू, उसके घर वाले, आप सभी से मोहब्बत कर बैठते हैं। और यहां तक कि इस मोहब्बत में आप खुद को ही भूल जाते हैं। आप धीरे धीरे अपने वजूद को ही भूल जाते हैं। बस एक चीज अगर आपको जो याद रहती है तो वो है मोहब्बत। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। बड़ा सुकून मिलता है इस मोहब्बत में। आपके पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। आपका दिल करता है कि मैं आसमान में उड़ता चला जाऊं, बहुत दूर उड़ता चला जाऊं, और अपने सारे खत खतूत अपनी महबूबा के पास पहुंचा दूं। और आपकी महबूबा आपके खतों को लेने के लिए अपनी छत पर खड़ी हो, और आप मोहब्बत के परों पर उड़ते हुए आप किसी ना किसी तरीके से उस छत तक जा पहुंचे, कितना अच्छा लगेगा आपको। कभी कल्पना की है आपने इसके बारे में? हाँ की होगी। मोहब्बत में होता क्या है? यथार्थ से बहुत दूर चले जाते हैं हम। महज हमें कल्पना ही साथ देती है। उसी के सहारे हमारा एक एक कदम मोहब्बत के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये जानते हुए भी कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं क्या वो भी आपको मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन आप तो मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके होते हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। बस कुछ दिखाई देता है तो मोहब्बत, महज मोहब्बत। और इसी मोहब्बत के शरोबार में आप खो जाना चाहते हैं, आप सो जाना चाहते हैं। बस कितना खूबसूरत एहसास है इस मोहब्बत का। काश हम भी किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला। चलिए, आपको मिला, बड़ा अच्छा लगा। आपकी मोहब्बत अपने अंजाम पे पहुंचे।